जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हमारी क्लास फोर्थ रहेगी जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि आपके हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जून के सेकंड वीक में एग्जाम होने का सबसे ज़्यादा चांस है। और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें डेली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी, क्लास फोर है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये मिलेगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो साइंस में ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त जंतु प्रजाति है? ऐसी कौन सी हमारी एनिमल की प्रजाति है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, और एक देखने से डायरेक्ट पता चल रहा है कि डोडो पक्षी जो है, डोडो बर्ड जो है वो विलुप्त हो चुका है, क्योंकि कौआ, हाथी और टाइगर जो है वो आपने कहीं ना कहीं पे जू में देखे होंगे, लेकिन डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन में पाया जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसी कौन सी चीज जो है जो वो पाई जाती है, किसमें ये पाया जाता है? तो ये जो है वो आलू में मुख्यतः पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आलू में पाई जाती है, बाकी इन चीजों में ये चीज नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, उसको क्या चीज कहा जाता है, उसके संयोजन को क्या चीज कहा जाता है? तो उसको जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर यहां पे रहेगा। उसके बाद है, एकलिंगी पुष्प क्या है? आज जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके बायोलॉजी से पूछे गए हैं। एकलिंगी पुष्प ऐसा कौन सा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो कौन सा है, मक्का है, सरसों है, गुलाब है या फिर पिटूनिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास मक्का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पे रहेगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जिसमें ज्यादातर जो है वो हमारे फूल जो है वो लगते हैं, एक से ज्यादा फूल आप बोल सकते हैं समझने के लिए, तो वो है हमारा सरसों। ऑप्शन डी जो है, मस्टर्ड जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब सरसों की एक बात करते हैं, इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आप सरसों के तेल को, मस्टर्ड ऑयल को जो कि सब्जियों में डाला जाता है उनको पकाने के लिए, अगर उस आप ऑयल को किसी एक बोतल को मार्केट से लेते हैं और अगर आप उस चीज को फ्रिज में रखते हैं, तो वो बोतल जो है वो हमारी नहीं जमेगी। जैसे ये कोई मेरे पास क्या है, बोतल है, कुछ इस टाइप की मैंने बोतल ली है मस्टर्ड ऑयल की, और मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया, तो ये फ्रिज में नहीं जमेगी। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके ये चलता है -13 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिटेल्स बताई होती है। तो मस्टर्ड ऑयल इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हमारे फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर इस मस्टर्ड की बोतल को मैं 2 या 3 दिन तक रखूं, तब फ्रिज का टेम्परेचर जो वो -10 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए मस्टर्ड ऑयल एकदम से नहीं जमता, उसको उतने टेम्परेचर तक जाने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन जो है वो लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्लियर होगा कि मस्टर्ड ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और हर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। अगला, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली, कितने परसेंट इसमें ये रहती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 90% जो है वो रक्त प्लाज्मा में क्या चीज रहती है, वाटर ही रहता है, H2O। जल का फॉर्मूला जो है, वाटर का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वयस्क आदमी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये, और आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल आदमी का जो हृदय है वो
एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये आपको पता है 72 बार जो है ये धड़कता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड ब्लड सेल को हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है। इन्होंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछी है, तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? अगर आपको जो है वो एनीमिया की बीमारी हो जाए तो आपकी बॉडी में किस चीज की कमी हो जाएगी? तो एनीमिया जो है वो मेनली हमारा जुड़ा है किससे, ब्लड से। और ब्लड में अगर हमारे पास आयरन की कमी हो जाती है, एचबी हमारा कम हो जाता है, उस वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ब्लड में आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर जो हैं वो हमें विटामिन B9 की गोलियां देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फोलिक एसिड जो है वो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं, जिसको हम विटामिन B9 की गोलियाँ कहते हैं। उस विटामिन B9 से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, और आयरन की वजह से हमारा ब्लड इंक्रीज होता है, मतलब कि हमारा HB जो है हीमोग्लोबिन वो बढ़ जाता है। नॉर्मल किसी एक मेल में HB जो है वो 12 से ज़्यादा होना चाहिए, और एक फीमेल में जो है वो 10 जो है वो नॉर्मल हमारा HB रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उनमें से कौन सा रोग होता है, एड्स, कैंसर, मलेरिया या फिर डेंगू? तो ये आपको बताना है कि जब ही हमारा एक मच्छर जिसका नाम है मादा एनाफिलीज, फीमेल है ये, जब ये काटती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो दो ऑप्शन, पहले तो ये आपको पता है कि ये जो दो बीमारियां हैं ये मच्छर के काटने से नहीं होती हैं, मलेरिया और डेंगू बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास मलेरिया, क्योंकि जो फीमेल है एनाफिलीज मॉस्किटो, उसके काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और कैंसर से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कैंसर के लिए जो रेडोन गैस है जो कि एक नोबल गैस है, उस गैस का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी ऐसे ही सीरीज आती रहेंगी, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आप टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल, HPG के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स, PDF, और साथ में जो मॉक टेस्ट सीरीज रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप डाउनलोड करें, उसमें फ्री की जो क्विज है आप उसको लगा के देखें। हर किसी एग्जाम के लिए नॉर्मली उसमें क्विज अपलोड है। वहां से अगर आप हिमाचल पुलिस की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 15+ आपको एग्जाम जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आप ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ई नोट्स जो है वो भी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।